भारत के हाथ लगा बड़ा खजाना। भारत के खजाने को देखकर दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। इस खजाने से भारत हो जाएगा मालामाल, उड़े चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों के होश। जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता वो भारत कर सकता है। हर भारतीय को होगा इस खजाने से फायदा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम खनिज का विशाल भंडार मिल चुका है। राजस्थान के सीकर जिले में दुर्बल खनिज यूरेनियम उत्खनन के लिए LOI जारी कर दी गई है और राजस्थान के यूरेनियम खनन के क्षेत्र में एंट्री ले ली गई है। खबरों की माने तो राज्य सरकार के सीकर के पास खंडेला तहसील के रोहेल यूरेनियम के खनन के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन कराने का लाइसेंस दे दिया गया है। आपको जानकारी देते चले कि यूरेनियम दुनिया के दुर्बल खनिजों में से एक है और ये सीकर के खंडेला इलाकों में 1086.46 हेक्टर इलाके में करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम होने की संभावना है और इससे जुड़े एसोसिएशन मिनरल्स का भंडार होने की भी पुष्टि की गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राज्य सरकार का नाम वैश्विक लेवल पर चमकने वाला है और प्रदेश में रोजगार का संकट दूर होने वाला है और इससे इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते भी खुलेंगे। हालांकि अभी यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया गया है, जिसके बाद ही तय किया जाएगा कि यहां से निकलने वाले यूरेनियम का परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। वहीं सरकार का कहना है कि फिलहाल झारखंड और सिंहभूमि के जादूखेड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम निकाला जा रहा है, लेकिन अब जल्द ही जरूरी है औपचारिकता पूरी करने के बाद राजस्थान में भी यूरेनियम की माइनिंग शुरू कर दी जाए। आर्थिक मामलों की जानकारी देते हुए माइनिंग के लिए तो राजस्थान सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के बाद UCLI करीब 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। कहा जा रहा है कि यूरेनियम माइनिंग शुरू होने से राज्य के करीब 3,000 लोगों को तत्काल रोजगार मिलेगा। परमाणु बम के जानकारों की माने तो राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार जो मिले हैं इसे दुर्बल खनिज माना जाता है। बता दें कि परमाणु ऊर्जा के लिए भी यूरेनियम बेहद कीमती खनिज होता है। इसके साथ ही यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाता है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, दवा, रक्षा उपकरण, फोटोग्राफी समेत अन्य में भी यूरेनियम का काम लिया जाता है। दुनिया में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन राजस्थान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है, लेकिन अब भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि अब भारत और भी ज्यादा परमाणु बम बना लेगा, जिसके बाद मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। वहीं भारत सरकार इससे गदगद और है और राजस्थान सरकार भी खुश है। देखना होगा कि आगे भारत सरकार क्या प्लान बनाती है और क्या कहती है, लेकिन फिलहाल तो भारत इस खजाने को देखकर बहुत बेहद ही खुश है, दुनिया हैरान है। दोस्तों, आपके हिसाब से मोदी जी इस यूरेनियम का इस्तेमाल का क्या बनाने में करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।